पिया ए यादी को लेकर के अपने पिता शुक्राचार्य के पास में पहुंच जाती है। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने देखा है, जवाब दिया, बेटी ये कौन? जवाब दिया, ये बात में सारी बात में बताएंगे, मेरी एक बात सुनो। जवाब दिया, बोलो। जो तुम्हारा शिष्य जो है ना, बृहस्पर्वा, जवाब दिया, हाँ, उसकी जो लड़की है सर्विष्ठा, उसके साथ में पिताजी में नहाने के लिए गए और उसने मुझे पीटा। पिताजी मुझे पीटा, मुझे उसका दुख नहीं है, दुख केवल इस बात का है, आपसे भिखमंगा का है। हमसे कहा, भिखमंगा की लड़की है तू, हमसे बराबरी कर रही है, मुझे कुएं में ढकेल करके चली आई। जवाब दिया, अच्छा, इधर हुआ गया। जैसे ही गुरु शुक्राचार्य ब्राह्मण क्रोधी महात्मा के, और जैसे ही ये शब्द सुने, बृहस्पर्वा के सामने पहुंच गए। जवाब दिया, बाहर निकल। जैसे ही क्रोध में देखा है गुरु शुक्राचार्य को, बृहस्पर्वा ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, गुरुवर क्या बात है, तेरी लड़की ने मेरी बेटी को पीटा, पीटने के बाद में हम सब भिखमंगा का है, कमंडल में से जल लिया, मैं तेरी बेटी को श्राप दे रहा हूं। जवाब दिया, ठहर जाओ, मेरी बेटी उसे ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, भूल हो गई, उसे क्षमा कर दो। जवाब दिया, नहीं। जवाब दिया, तू अगर मेरा शिष्य नहीं होता तो मैं भी नहीं जानता क्या कर सकता, पर श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं से दंड दे रहा हूं। जवाब दिया, बिल्कुल दे दो, मेरी बेटी की शादी में कर रहा हूं, और तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी के रूप में जाएगी। जवाब दिया, बिल्कुल मंजूर है। शुक्राचार्य ब्राह्मण लौट आए, जैसे ही देवयानी को पूछा कौन है, तो देवयानी ने जवाब दिया, मैं इनके साथ में शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही शादी की है, सर्विष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ में पीहर में पहुंच। जैसे ही याती के साथ में घर पर पहुंची है, एक महल में देवयानी रह रही है, एक महल में सर्विष्ठा रह रही है। एक समय की बात है, महाराज याती जंगल से वापस आ रहे थे, शिकार खेलते समय देवयानी अलग रह रही महल में, सर्वेष्टा अलग रह रही थी। तो सर्वेष्टा ने अपना चेहरा खिड़की से बाहर जैसे ही निकाला, याती की निगाह पड़ी तो महाराज याती ने ये समझा, ऊपर से चांद निकल आया, इतनी सुंदर थी सर्विष्ठा,
कुछ विचार आए, घर पे पहुंचे। सर्वेष्ठा ने जवाब दिया, महाराज मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? कौन सा सवाल? मुझे ये बताइए, ससुराल में जो दूल्हे को जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? दूल्हे को होता होता है। महाराज मैं भी ससुराल से आई हूँ, तुम्हारे साथ में आई हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? याती महाराज खड़े के खड़े रह गए और बताया भी है किसी विद्वान ने, रब ने नारी रत्न